अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो है पोटैटो चीज़ कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं। आप लोग इसको एक बार बनाओगे तो आई एम श्योर ये आपके फेवरेट बन जाएंगे। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके भी फेवरेट बन जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें जो चीज़ यूज़ होगी, पोटैटो यूज़ होगी और जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसी रेसिपी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ये इवनिंग स्नैक या इफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए थे 2 लार्ज साइज़ के पोटैटो, जिसको मैंने बॉईल किया। अब मैं इसको मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो या हाथ से भी मैश कर सकते हो। बस इसमें पोटैटो के पीसेस नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, इसको भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया था 1/2 कैरेट, जिसको मैंने चॉप किया, 1 छोटी शिमला मिर्च जिसको चॉप करके ली है, 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न लिए हैं और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएगी इसमें और 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर जाएगा इसमें। चॉप करके जिंजर बहुत ही मज़े का लगता है, तो आप लोग इसको सेम इसी तरह से चॉप करके ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चॉप्ड कोरिएंडर, यानी कि फ्रेश धनिया। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इस तरह के कबाब बनाते हैं तो आलू का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके आलू में पानी है, तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स दूंगी कि जब आप आलू को बॉईल करोगे तो उसको मैश करने से पहले आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कीजिएगा, उसके बाद आप उसको मैश कीजिए, तो वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगी और उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर 2 टेबल स्पून, यानी कि मैदा। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑयल लिया है, जिसको मैं हाथ पे अप्लाई करूँगी और इससे लेंगे हम थोड़ा आलू का मिक्सचर। जितना हमें, जितनी साइज़ का हमें कबाब बनाना है, हम उस हिसाब से उसको लेंगे। उसको हम अब थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसमें हम डालेंगे चीज़। चीज़ आप कोई भी अपने पसंद से लीजिएगा। मैं यहाँ पे कशकॉन चीज़ ले रही हूँ, आप इसमें मोज़रेला चीज़ लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टिप्स दूंगी कि यहाँ पे मैंने जो कबाब बनाने से पहले हाथ पे ऑयल अप्लाई किया है, ये मैंने, आपको लगेगा कि इसलिए किया कि मेरे आलू में पानी है या बाइंडिंग अच्छे से नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आलू बहुत अच्छे से ड्राई है और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। यहाँ पे ऑयल अप्लाई करने का रीज़न सिर्फ ये है कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। जब फिनिशिंग अच्छी आएगी तो आपके कबाब में क्रैक नहीं आएगा। अगर क्रैक आ जाएगा तो जब आप उसको फ्राई करोगे तो उसके अंदर की जो चीज़ है वो सारी ऑयल के अंदर निकल जाएगी, आपके कबाब वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस टिप्स को फॉलो कीजिए और कबाब बनाइए। चाहे जो भी हो, चीज़ के हो, कीमे के हो, जो भी आप इस तरह से कबाब बनाते हो, तो उसके लिए ऑयल अप्लाई कीजिए और बनाइए, तो देखिए आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी उसमें क्रैक नहीं आएगा। अगर आपको कबाब को फ्रीज़ करना है तो आप ब्रेड क्रम और अंडा लगाने से पहले इस स्टेज पर आप इस तरह से कबाब बना के 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे कबाब बनाएंगे। ये देखिए हमने सारे कबाब बना के रेडी किया है। आप देख सकते हो सिर्फ 2 आलू में हमने बनाए हैं 15 कबाब और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए। 1/2 कैरेट है, स्मॉल कैप्सिकम है, बहुत ही कम चीज़ों से इतने सारे कबाब आप बना सकते हो। यहाँ पे हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से बीट करेंगे। कबाब को पहले हम अंडे में डिप करेंगे।
अब हम इसको ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम है। पॉसिबल हो तो आप इसको फ्रेश ब्रेड क्रम ही बना के लगाइएगा। ऐसी चीज़ों पे जब हम घर का ब्रेड क्रम लगाते हैं तो ये बहुत अच्छे से कोट हो जाता है। इसको हम थोड़ा हल्का हाथ से प्रेस करेंगे ताकि इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। जो मार्केट का ब्रेड क्रम होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, तो हम जब उसको फ्राई करते हैं तो वो सारा पैन में ही निकल जाता है और उसकी वजह से चीज़ें जो हमारी होती है वो फट जाती है। तो मेक श्योर आप लोग इन सारी चीज़ों के लिए घर में बनाया कीजिए और फिर आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि मार्केट के हिस्से कैसा बनता है और घर के हिस्से कैसा बनता है। ये देखिए, हमारे कबाब सारे रेडी हो गए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। बस ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसको फ्राई कीजिए। जब ये ठंडे होते हैं तो फ्राई भी बहुत अच्छे होते हैं। या आप इसको ओवरनाइट भी बना के रख सकते हो अंडा और ब्रेड क्रम के साथ। इसको नेक्स्ट डे फ्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म किया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी नहीं डालना है। ऑयल को हम पहले बहुत अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे लो टू मीडियम हीट पे। मैं आपको यहाँ पे एक और टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपके कबाब कभी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे फ्लिप कर रही हूँ जबकि ये पूरी तरह से फ्राई नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये होता है, आपके जो कबाब टूटते हैं वो इसलिए कि आप लोग उसको एक साइड से पूरी तरह से फ्राई करने देते हो, उसके बाद उसको फ्लिप करते हो। उससे क्या होता है कि जब नीचे से पूरा फ्राई हो जाता है तो ऊपर से वो टूटने लगता है। तो इसलिए आप उसको चाहे 3 से 4 बार फ्लिप कीजिए, पर इस तरह से जल्दी जल्दी कीजिए। उससे क्या होगा कि दोनों तरफ से वो इक्वली फ्राई होते जाएगा और बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये देखिए, आप कहीं से भी इसमें कोई क्रैक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए, आपके भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेंगे। और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपके बहुत अच्छे बने हैं। आप में से जो भी मेरी रेसिपी को ट्राई करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं वो लोग मुझे टैग ज़रूर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी, rasmina786। आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और टैग कीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी पोस्ट चेक करूँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऑयल में ना चीज़ निकली है कबाब से, ना ही इससे ब्रेड क्रम अलग हुआ है। जिस तरह से मैंने आपको बताए, सारे टिप्स दिए, आप लोग सेम उसी तरह से फॉलो कीजिए। आप देख सकते हो कि कबाब कितने अच्छे से बने हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने इतने सारे टिप्स दिए उन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और बनाइए ये मज़ेदार से कबाब। तो देखिए, रेडी है हमारे सिंपल एंड टेस्टी चीज़ कबाब। आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखा आपने, कितने सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट्स में और कम टाइम में बनने वाले बहुत ही टेस्टी कबाब है। आप लोग इसको बनाओगे तो आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। और बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ होती है बच्चों की फेवरेट होती है। तो आप लोग इसको बनाइए, बच्चे हो या बड़े हो, ये सबके ही फेवरेट होने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और जो मेरे चैनल पे न्यू यूज़र्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी फ्री में देखने के लिए। और आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको कबाब तोड़ के बताती हूँ। इसके अंदर जो चीज़ है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुई है और बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आई, क्योंकि हमारे कबाब बहुत अच्छे से बने हैं। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह आप सबकी दुआओं को और इबादत को कबूल करे। आमीन या रब आमीन। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल एंड टेक केयर।